तो दोस्तों फाइनली भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर काफी बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है। और आपको बता दें कि एक ऐसा समय था कि जब भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ही कम मात्रा में हुआ करता था। हालांकि दोस्तों पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर देखा जाए तो भारत ने एक के बाद एक कई सारी डील्स को यहाँ पर क्रैक किया है। और दोस्तों फाइनली पिछले साल के जो आंकड़े अब आने वाले हैं उनको देखकर आपको काफी हैरानी भी होगी। लेकिन दोस्तों अब समय कुछ ऐसा आ चुका है कि भारत एक ही बारी में 2000 से 3000 तक के ऑर्डर्स को प्लेस कर देता है और इस तरह की डील्स आने वाले समय में और भी ज्यादा यहाँ पर देखी जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भारतीय ब्रह्मोस एरो स्पेस है उसकी तरफ से भी ये देखा गया है कि अब आने वाले समय में ये अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के दम पर 35,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं उनको भी अपने देश में यहाँ पर लेकर आएंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए जहां पर ये बताया गया है कि भारतीय BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने 2000 करोड़ से ज्यादा के जो डिफेंस ऑर्डर हैं उनको यहां पर जीता है। और दोस्तों यहां पर जो इस डील का अमाउंट है वो करीब $255 मिलियन का है। और आपको बता दें कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड वही कंपनी है जो कि भारतीय सरकार के आधे से ज्यादा हथियारों को बनाती है। ऐसे में दोस्तों यहां पर NG और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो ऑर्डर हैं वहां पर लिए गए हैं। और ऐसे में यहां पर देखा जाए तो BDL के लिए ये काफी बड़ी बात है कि यहां पर उनके जो मेन वेपन्स हैं उनके लिए काफी बड़े ऑर्डर्स यहां पर मिल पाए हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक इस कंपनी के द्वारा ये नहीं बताया गया कि आखिरकार ये किस देश के थ्रू ऑर्डर्स मिले हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो जानकारों का मानना है उनके हिसाब से यहां पर आर्मेनिया और साथ ही UAE की तरफ से ये बड़े ऑर्डर्स यहां पर मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया पिछली बार भी हमसे कई बड़े ऑर्डर्स प्लेस कर चुका है और कई सारे हथियारों को आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया जा चुका है जो कि कई हजार करोड़ के थे। और ऐसे में अगला जो चांस है वो यहाँ पर UAE का सामने आता है। हालांकि दोस्तों बहुत ही जल्द ये पता चल जाएगा कि आखिरकार किस कंट्री के साइड से ये बड़े ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। और यहाँ पर भारतीय एंटी टैंक मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बड़े ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो आर्मेनिया के दिखते हैं क्योंकि आर्मेनिया हमसे पिछली बार भी बड़े बड़े ऑर्डर के थ्रू कई हथियारों को खरीद चुका है। और ऐसे में आर्मेनिया ये कहता हुआ आया है कि भारत के साथ वह और भी कई सारी बड़ी डील्स यहाँ पर करने वाला है क्योंकि दोस्तों आर्मेनिया लगातार छोटे छोटे गैप्स के साथ ही भारत के साथ कई सारे डील्स यहाँ पर कर चुका है। और यहाँ पर सबसे पहले इनके जरिए भारत के पिनाका रॉकेट को यहाँ पर खरीदा गया था। उसके बाद हमारी जो 155mm की आर्टिलरी गन है उसको खरीदा गया था। और अब से कुछ समय पहले ही भारत से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को यहाँ पर खरीदा गया था। हालांकि पिछली बार ये खबर भी निकल कर आई थी कि आर्मेनिया बहुत ही जल्द आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर खरीदने वाला है। और साथ ही आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ पर भारत ने 2024 से 2025 के बीच में जो एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट का यहाँ पर टारगेट रखा है यानी कि $5 बिलियन का जो डिफेंस एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाएगा वो अब एक तरह से सच होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी भारत ने आसानी से 12,000 करोड़ से ज्यादा के हथियारों को एक्सपोर्ट किया था। लेकिन इस ईयर में भारत इस आंकड़े को पूरी तरह से यहाँ पर क्रॉस करके डबल या ट्रिपल कर लेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे देश की तरफ से भारत के साथ डील की जा रही हैं। साथ ही आर्मेनिया जैसे देश हैं जो कि भारत के साथ कई सारी बड़ी डील्स यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत के इस बड़ी कामयाबी को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।